नंबर टू में जाऊंगा या फिर बिल्डिंग नंबर वन में। वैसे गाड़ियां तो देखो दोनों में ही होने वाली है, बट बिल्डिंग नंबर वन ज्यादा बड़ी है और अपना ट्रक उसी के अंदर जा रहा है। भाई मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस जगह को अंदर से देखने के लिए। यहाँ पर मैं सोच रहा था बहुत भीड़ होगी, बट शायद ये काफी सुबह का टाइम है इसलिए सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स है। बट यार उधर देखो मर्सिडीज की एक से बढ़कर एक इतनी इसकी छुट्टी है। पर अभी हम लोग डब्बे से बाहर नहीं निकल सकते, हमें डब्बे से बाहर निकलते ही इन सभी गार्ड्स को मारना है और गाड़ी लेकर यहाँ से भागनी है। इन चारों डब्बे में हम ही लोग हैं, तो बस एक बार ही थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी कार्स लेनी है और कितने सेकंड में हमें इन सबको निपटा के यहाँ से भागना है। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल हम चारों लोग ने अपने बॉक्सेस को ऊपर से ओपन कर लिया है ताकि जो सामने गार्ड्स हैं इनकी हम गोलियां बजा के इन कार्स को यहाँ पर इजिली चुरा पाए। बट प्रॉब्लम ये है कि ट्रेवर और फ्रैंकलिन भाई साहब जी गन्स ही नहीं लेकर आए हैं यहाँ पे, इनको लग रहा था बस गाड़ियां चुरानी है। बट इन बंदों को मारना होगा अब हम दोनों को मिलके। लेट्स गो, मैं फुल रेडी हूँ। फटाफट से खड़े होते हैं और सामने जो बंदा है इसको डाउन करते हैं, ये मारो भैंस की। अब फटाफट से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे लोग पीछे भी हैं, बहुत सारे लोग आगे भी हैं, मैं पीछे वालों को निपटाता हूँ। जितने सरफ में मर्सिडीज की जीटी और भाई साहब इतनी ज्यादा पावरफुल कार है, आप लोग को याद होगा इस कार से हमने रेस जीती थी। बड़बेट सामने में कोई एक बंदे की और आवाज आई, हो सकता है वो यहीं कहीं पर छुप के बैठा हो। तो चलो गाइस अभी फिलहाल हमने यहाँ पर सभी बॉडीगार्ड्स को मार डाला है, अब बस देखते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियां हमें यहाँ से चुरा कर निकलना चाहिए। देखो इस तरफ में मर्सिडीज की चार पांच स्पोर्ट्स कार है जो कि बहुत ज्यादा ही सुपर फास्ट है। इस तरफ में कुछ चार SUV हैं, लग्जरी SUV जो कि काफ़ी महंगी बेच सकते हैं हम लोग। बाकी उस तरफ में कुछ मस्त मस्त सेडान्स खड़ी हैं लेकिन उनकी थोड़ी बैंड बच गई है, गोलियां चलाई थी तो एक आध जाकर लग गई है उन पर, एक तो बेचारी पलट ही गई है। बाकी ये सब ठीक है, अंदर कौन कौन सी कार्स है यार, ये अंदर मैंने एक बार भी चेक नहीं करा। बट वेट भाई साहब, अंदर मर्सिडीज की कॉन्सेप्ट कार्स बन रही हैं, तो मेरे हिसाब से हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमारी किस्मत अच्छी थी। लेट्स गो, तभी गाँव भाई साहब हर दिन ट्रेन से नया नया सामान क्यों आ रहा है, वो इन सब कार्स के लिए आ रहा है, बट इन कार में बस अब कोई प्रॉब्लम ना हो। फटाफट से गाड़ी को लेकर निकलते हैं, एक गाड़ी मैंने उठा ली है और एक गाड़ी अपनी बॉडी गार्ड ने उठा ली है। अब दो कार्स बची हैं, ट्रेवर फ्रैंकलिन को बोलते हैं, वो दोनों तो बेचारे अरे क्या कर रहा है यार, इतनी जगह है भैंस की टांग, इतने सारे रस्ते हैं, इसको वही बंदा मिला चढ़ा के निकाल रहा है। बाकी ठीक है, ट्रेवर फ्रैंकलिन बेचारे अभी दोनों छुपे हैं क्योंकि उनके पास गन्स नहीं है, उन्हें डर है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ ना ले। बाकी ठीक है, दरवाजा खोलते हैं, इन दोनों कार्स को छुपा कर कहीं पर वेट करते हैं ट्रेवर फ्रैंकलिन के आने का। उनको बोल दिया वैसे मैंने क्योंकि पूरी फैसिलिटी खाली है, इस टाइम वो जल्दी से जल्दी वहां से निकल सकते हैं।